फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन स्मिता सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो की एक और रेसिपी, जो है मैंगो का मुरब्बा। मैंगो का मुरब्बा बहुत ही इजी बनाने में है फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी बन जाता है। जो बिगनर्स है और मैंगो को प्रिजर्व करना नहीं जानते हैं, वो भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो आप देखिए इसे किस तरह से बनाया जाता है। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो एक फुल न्यूट्रिशन से भरा हुआ फ्रूट है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इतने सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक मैंगो खाने से हमारा अधिकतर न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो इसे आप जरूर खाइए, और जब तक सीजन है इसका एंजॉय कीजिए, और सीजन के बाद भी मुरब्बा खा के इसे एंजॉय कीजिए। तो देखते हैं ये कैसे बनता है फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। मुरब्बा बनाने के लिए मैं ली हूँ 4 रॉ मैंगो, जो हाफ के जी हैं, और इसे छील लेती हूँ और छील के उसके पीसेस कर लूँगी छोटे छोटे। ये देखिए, इसके छोटे छोटे पीसेस कर ली हूँ। अगर हार्ड लगे तो ऊपर वाले भाग ही रखिए, अगर सॉफ्ट है काटने में तो उसके नीचे वाले भाग भी देने से उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में, चूसने में। और मैं 1 लीटर पानी को बॉईल कर रही हूँ, जिसमें ये कटे हुए पीसेस को डाल के इसको बॉईल करना है। बॉईल करने से क्या होता है कि इसका जो खट्टापन है वो भी निकल जाता है, और साथ में जो मैंगो का हीट होता है वो भी निकल जाता है, और मैंगो भी सॉफ्ट हो जाता है। और दूसरे पैन में मैं 250 ग्राम गुड़ ली हूँ। ये देखिए, दूसरे पैन में चढ़ा देती हूँ इसे, और इसकी चाशनी बनानी है हमें एक तार की। तो एक कप मैं इसमें पानी डालती हूँ, जिस कटोरी से आप गुड़ मापेंगे उसी कटोरी से आप पानी माप सकते हैं। तो इसे डाल के, और एक तार की चाशनी हमें बनानी है, और ये पहले मेल्ट करके इसको छान लेंगे। इधर देखिए, ये सॉफ्ट हो गया है, 3 से 4 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाता है मैंगो। तो इसे छान लेते हैं पानी में, और छान के फिर इसका जो कुकिंग प्रोसेस है उसको बंद करने के लिए हम रनिंग वाटर में इसे धो लेते हैं। तो क्या होता है कि ये इसकी कुकिंग प्रोसेस इसकी रुक जाती है, और फिर ये ज़्यादा नहीं पकता है। इस तरफ हमारा गुड़ भी मेल्ट हो गया है, अब इसे भी हम छान लेते हैं, क्योंकि गुड़ को छानना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी होती है जो खाने में किरकिर लगता है, तो इसे छानना ज़रूरी होता है। वैसे ये तो ज़्यादा गंदा नहीं है, फिर भी छानना ज़रूरी है। एक पैन ले लेती हूँ, और पैन में मैं 1 चम्मच घी डालूँगी, और ये घी गर्म करने के बाद इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालती हूँ। 1/2 चम्मच सौंफ डालती हूँ, 2 लौंग, 1 इलायची छोटी वाली, और 1 इंच दालचीनी का डाल के इसे हल्का सा भूंज लेंगे, जिससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और फिर वो जो बॉईल की थी रॉ मैंगो पीसेस, वो इसमें डाल के मैं 2 से 3 मिनट तक इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि उसका पानी हमें सुखाना ज़रूरी है। ये पानी सूख जाने से हमारा ज़्यादा दिन तक बना रहेगा इसका मुरब्बा, और साथ में ये चाशनी में डालने के बाद वो चाशनी को पतला ना कर दे, इसके लिए इसके पानी को सुखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसे देखिए, मैं देखिए इस स्टेज पर पूरे पानी सूख चुका है, और मैं इसमें गैस बंद कर देती हूँ। और फिर ये देखिए, चाशनी मेरा एक तार का भी हो गया है, और ये चाशनी इस तरह से देखिए, ये एक तार छोड़ने लगा है, और ये पूरी तरह से गाढ़ी हो गई है। अभी इस स्टेज पे इस मैंगो को जो फ्राई की थी उसको मैं इसमें डाल देती हूँ, और डाल के 2-3 मिनट तक इसको भी इसके अंदर पकाना है, क्योंकि अभी इसके डालने के बाद चाशनी थोड़ी पतली हो जाएगी, और हमें थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी मैंगो का अंदर जूस है उसके कारण चाशनी को पतला कर देता है, तो हमें गाढ़ा ही रखना है। तो इसके लिए हमें 5 से 10 मिनट तक इसे बॉईल करना होगा। और हम टेस्ट के हिसाब से इसमें मैं ब्लैक सॉल्ट डाली हूँ 1/4 चम्मच, और रेड चिल्ली डाली हूँ 1/4 चम्मच। ये भी थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है मीठा के साथ में। तो ये देखिए, इस तरह से ये पूरा गाढ़ा हो चुका है, और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। इसके लिए इस स्टेज पे अब हम गैस बंद कर देंगे, और गैस बंद करके हम इलायची पाउडर डालते हैं। इलायची पाउडर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और ये
ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा किशमिश डालती हूँ, क्योंकि किशमिश डालने से ये चाशनी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए पूरी तरह से बन के तैयार है, और देखिए कितना गाढ़ा और कितना अच्छा है। इसे आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसमें मैं कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाली हूँ। इसे आप फ्रिज के अंदर रखिए और पूरे साल तक ये फ्रिज के अंदर रहता है। अगर फ्रिज के अंदर नहीं रखना है तो इसमें विनेगर डालना पड़ेगा। इसमें 2 चम्मच आप विनेगर डाल दीजिए, लेकिन मैं इसे फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ, इसके लिए मैं इसमें विनेगर नहीं डाली हूँ। और ये देखिए ये पूरी तरह से गाढ़ा और कितना टेस्टी और कितना डिलीशियस लग रहा है। इसे आप रोटी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे को उसे ऐसे भी दे सकते हैं खाने के लिए, और इसे साल भर आप फ्रिज के अंदर फ्रिज अप कीजिए, और बाहर रखना है तो विनेगर दे के रखिए।